शानदार तथा सफल स्थापना दिवस परेड के साक्षी होने के पश्चात विभिन्न प्रदर्शनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम प्रस्तुत है कलेरी पयट। कलेरी पयट भारतीय संस्कृति के बहुआयामी रूपों का चित्रांकन करने वाली राज्य केरला की अपनी माटी का मार्शल आर्ट है, जिसे गुरु शिष्य परंपरा के तहत कई शताब्दियों तक संरक्षित किया गया है। 3000 वर्षों के इतिहास के साथ यह भारत में सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट है। कलरीपयट एक समग्र कला है जो न केवल बचाव करना और हमला करना सिखाती है, बल्कि इसमें उपचार भी समाहित है। यह अनूठा संयोजन इसे एक संपूर्ण विज्ञान बनाता है और इसीलिए इसे सभी मार्शल आर्ट की जननी माना जाता है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि लगभग 10,000 महिला कर्मियों के साथ CISF में सभी सशस्त्र बलों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है, और ऐसा पहली बार है कि किसी भी केंद्रीय सशस्त्र बल में महिलाओं द्वारा कलरी पयट की प्रस्तुति की जा रही हो। कलरी पयट के आज के इस प्रदर्शन में कुल 125 जाबाज महिला प्रतिभागी भाग ले रही हैं। ये वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। यह परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। यह रास रचैया, जगत खेवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। ये खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। पहली प्रस्तुति मयपेट की, इसे कलेरी प्रशिक्षण की रीढ़ की हड्डी। कोरल या लंबी लाठी। कलेरी प्रशिक्षण के दूसरे भाग को कोलथारी अर्थात लकड़ी के हथियार का प्रशिक्षण कहा जाता है। चोरल के साथ लड़ाई का अभ्यास महत्वपूर्ण है और वास्तविक जीवन में उद्देश्यपूर्ण है। आइए देखते हैं चोरल प्रहार। छोटी लाठी। कलेरी में लाठी का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कला है। चेरुवड़ी एक छोटी छड़ी है जो लड़ाई में जवाबी हमला, रक्षा, निहत्थे तकनीक और ब्लॉक का इस्तेमाल करने का प्रायोगिक प्रशिक्षण है। एक विशेषज्ञ इस सरल हथियार से 1 मिनट में 150 वार कर सकता है। प्रस्तुत है चेरुवड़ी फाइट। I'm not afraid.
जल प्रवाह पावित स्थले घरे विलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग कपालिकां ढमढमढमन्निनाद मढमर्वयुच्च गाय चण्ड ताण्डवं तनोतर शिव शिवम् शिवम् और ढाल की लड़ाई। कलेरी के तीसरे चरण में धारदार हथियारों से लड़ाई, जिसे अंगधारी कहा जाता है, का प्रशिक्षण शामिल है। तलवार और ढाल की लड़ाई को वालपिट कहा जाता है, जो ढाल के साथ विभिन्न रक्षात्मक चालें तथा आक्रामक प्रहार करना सिखाती है। प्रस्तुत है वालपिट। भाला लड़ाई या कुंथम पेट, कलरी पेट में अंगधारी का अन्य महत्वपूर्ण रूप है। यह प्रशिक्षण भाले के नुखीले सिरे को घोंपने और स्फूर्ति से भाले के हैंडल को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर तलवारबाज से बचाव करना सिखाती है। प्रस्तुत है भाला बनाम तलवार और ढाल। लचीली तलवार है, जो कलरी पेट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हथियार है। इस प्रशिक्षण में उपयोगकर्ता को अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि एक गलती आत्मघाती साबित हो सकती है। प्रस्तुत है उरुमी। प्रदर्शन से नारी शक्ति ने पुनः सिद्ध कर दिया है कि नारी एक ओर जहां सुंदरता, सौम्यता एवं उदारता का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी ओर बुराई का अंत करने वाली शक्ति एवं विध्वंसकारी ऊर्जा का अक्षुण्ण द्योतक है।
आज के प्रदर्शन के द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महिला जाबाजों ने अपनी सुदृढ़ता, शारीरिक चपलता एवं मानसिक हठधर्मिता से पुनः हम सभी को यह आश्वासित किया है कि कैसी भी विषम परिस्थिति आने पर वे कर्तव्य पथ पर सदैव निडर, निर्भीक एवं शक्तिमान होकर सर्वस्व नौछावर के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय महत्व के औद्योगिक प्रतिष्ठानों, एयरपोर्ट्स तथा मेट्रो में तैनात राष्ट्र का सशस्त्र बल CISF जम्मू कश्मीर से लेकर सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों सहित लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रभावित क्षेत्रों में स्थित आयरन ओर माइंस जैसे संवेदनशील उपक्रमों को भी अपना मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। आयरन ओर माइंस बृहद क्षेत्र में फैले हुए सरकारी उपक्रम है जहाँ विषम भौगोलिक तथा जलवायवीय परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। ऐसे लिमिटेड विजिबिलिटी वाले क्षेत्रों में दुश्मन द्वारा घात लगाकर हमले किए जाते हैं, अतएव इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बल हमेशा चौकस, सतर्क तथा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ घातक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि दुश्मन को माकूल जवाब दिया जा सके। प्रदर्शनों की श्रृंखला में अद्भुत रणकौशल से परिपूर्ण CISF कॉम्बैट स्किल्स, ड्रोन सर्विलांस, होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ K9 स्क्वाड को दर्शाता हुआ अगला हैरतअंगेज प्रदर्शन स्पेशल टैक्टिक्स ट्रेनिंग विंग NISA हैदराबाद के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके समक्ष परेड मैदान को सांकेतिक प्रदर्शन स्थल NMDC माइंस ऑफिस के रूप में दर्शाया गया है। दाहिने छोर पर CISF टैक्टिकल पोस्ट जहां CISF का जांबाज सैन्य दल प्राण की सुरक्षा हेतु तैनात है। अपने घर परिवार से दूर CISF के ये रणबांकुरे किसी भी चुनौती और ललकार को नेस्तनाबूद कर देने का अदम्य साहस और जज्बा रखते हैं। टैक्टिकल पोस्ट के बाएं NMDC क्रशर हाउस और साइट ऑफिस का क्रॉस सेक्शन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रदर्शन के दौरान रूम के अंदर की एक्टिविटीज आपको आसानी से दिखाई दे। NMDC ऑफिस CISF कैंप से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि एक अनइवन जंगल झाड़ीदार टेरेन है जहां CISF का कोई स्टैटिक डिप्लॉयमेंट नहीं है। मैं आप सभी का ध्यान मैदान के बाईं ओर ले जाना चाहूंगा जहां NMDC प्लांट के मेहनतकश कर्मचारी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। CISF का स्टैटिक डिप्लॉयमेंट नहीं होने के कारण रैकी एंड डिटेल्ड प्लानिंग के साथ हमलावर निजी निवासियों को पहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, अपने कमज के रूप में इस्तेमाल कर ऑटोमेटिक वेपन्स तथा गोला बारूद से लैस घातक हिंसात्मक इरादों के साथ हमला करने का दुस्साहस करते हैं। और तभी अचानक थामा अफरा तफरी, चीख पुकार का माहौल। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ने NMDC के मासूम कर्मचारियों को घातक चोटें पहुंचाकर लहूलुहान कर दिया। कुछ कर्मचारी बच निकलते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों को ऑफिस के अंदर बंधक बनाया जाता है। LW को यह खौफनाक खेल चलता रहता है। अब मैं आपका ध्यान पुनः मैदान के बीचों बीच ले जाना चाहूंगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट द्वारा मुमकिन अप्रोच रूट को कट ऑफ कर देने के लिए इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस IED प्लांट किए जा रहे हैं। यह एक तरह का डिस्गाइज मॉडिफाइड बम है, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमलावरों की यह खाद अवश्य उनके लिए आत्मघात है। मैं आपका ध्यान स्काई लेवल पर ले जाना चाहूंगा जहां आसमान का प्रहरी CISF ड्रोन मैदान के ऊपर मंडरा रहा है। इसी बीच एक कर्मचारी भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावरों द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस को धोखा देने के लिए इस एम्प्लॉय की डेड बॉडी में हमलावरों द्वारा IED प्लांट की जा रही है। मैदान के मध्य में LED स्क्रीन पर ड्रोन लाइव फुटेज में एक्टिव शूटिंग एंड किलिंग का यह घटनाक्रम ड्रोन सर्विलांस ड्यूटी पर तैनात CISF के मुस्तैद जवान की चौकस नजरों से बच नहीं पाता है। कंट्रोल टू ऑल स्टेशंस, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, माइन क्यूबिक अंडर अटैक, मूव ऑन टू वन, कीप रेइनफोर्समेंट रेडी, एक्टिवेट वॉर रूम, रेडी फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। अब मैं आपका ध्यान मैदान के दाहिनी ओर ले जाना चाहूंगा। CISF कैंप कमांडर द्वारा क्रिटिकल सिचुएशन के मद्देनजर CISF फोर्स हेडक्वार्टर्स द्वारा निर्धारित SOP के अनुसार ब्रीफिंग और टीमों की बांट के साथ ही कमांडोज को घातक प्रहार का आदेश दिया जाता है।
प्रोन एरिया के लिए स्पेशली डिजाइंड व्हीकल मार्क्समैन द्वारा कमांडोस को मुमकिन सुरक्षित दूरी तक ड्रॉप किया जा रहा है। इसके साथ ही मैदान के मध्य में सीआईएसएफ स्नाइपर्स वेंटेज पॉइंट्स पर अपनी पोजीशन ले रहे हैं। साथ ही दाहिनी ओर मार्क्समैन व्हीकल से उतरकर सीआईएसएफ स्नाइपर्स मैदान के मध्य में अपनी पोजीशन ले रहे हैं। निर्धारित एसओपी के अनुसार सीआईएसएफ कमांडो स्पीड एंड सरप्राइज मेंटेन करते हुए बड़ी पेयर में टैक्टिकली मूव कर एरिया को कॉर्डन करते हैं। लिमिटेड विजिबिलिटी वाले गहन जंगल में छुपकर घात लगाए दुश्मनों के इरादों को नाकाम करते हुए सीआईएसएफ कमांडो चट्टानों और पेड़ों से छुपाव हासिल करते हुए तेजी से टारगेट की ओर बढ़ते हैं। फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद पर उन्हें जवान कहा जाता है। साथ ही ट्रेंड साइलेंट वॉरियर K9 स्नाइपर रोनी अपनी अद्भुत क्षमता से हमलावरों द्वारा लगाए गए आईडी को गन से सूंघकर खोज निकालता है। साथ ही उसे यह मार्क किया जाता था कि सरप्राइज मेंटेन करते हुए ऑपरेशन कंटिन्यू रहता रहे। मैदान के मध्य में आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं हंटर वन कमांडोज घने जंगल पथरीले रास्तों उफनते नालों को पार कर मासूम एनएमडीसी कर्मचारियों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में सारी कार्यवाहियां एक साथ सरप्राइज मेंटेन करते हुए होती हैं, लेकिन प्रदर्शन में यह आपको अलग अलग भाग में दिखाया जा रहा है। अब मैं आपका ध्यान मैदान के बाईं ओर ले जाना चाहूंगा। जाबाज कमांडोज असॉल्ट टीम हंटर वन प्राइमरी और सेकेंडरी वेपन से लैस कंट्रोल वॉक पे इफेक्टिव साइड की तरफ तेजी और चुस्ती से बढ़ती है। उनके साथ है K9 साइलेंट वॉरियर डॉन जो बेताब है टूट में और इशारा पाते ही डॉन के पुत्र अदम्य साहस बड़ी छलांग बेडर बेरहम बेस्ट बतावा हंटर वन सेकेंडरी साइलेंस के साथ ही कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट हंटर वन स्टैक होकर रूट की तरफ बढ़ती है जहां प्लांट के कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है। हंटर वन के गाइड द्वारा साथी जवानों को क्लोज डोर सिग्नल का इशारा दिया जाता है। इशारा मिलते ही टीम के एक्सप्लोजिव ट्रेन कमांडो द्वारा डोर ब्रीचिंग के लिए ब्रीचिंग चार्ज प्लेस किया जाता है। कमांडोस रूम में एंटर करते हैं। बिजली की गति से कंट्रोल्ड फायर गोलियों की आवाज अचूक निशाना और दुश्मन ढेर रूम इन रूम क्लियरेंस की कार्रवाई के लिए हंटर वन दोबारा स्टैक होकर शॉकिंग इफेक्ट के लिए फ्लैश बैंक का इस्तेमाल करती है। मैदान के बाईं ओर जंगल में छुपे हमलावरों द्वारा एनबीसी पावर हाउस पर हमला किया जाता है। दिल दहला देने वाला धमाका क्रशर हाउस को विस्फोट से उड़ा दिया गया। सीआईएसएफ स्नाइपर द्वारा एक हमलावर को शूट किया गया। हमलावर पावर हाउस की तरफ बढ़ चले हैं। अब मैं आपका ध्यान मैदान के दाहिने ओर ले जाना चाहूंगा। मैसेज मिलते ही रीइंफोर्समेंट्स हंटर टू मार्क्समैन मार्कबट लेकिन तभी जोरदार धमाका रोकने के लिए रास्तों पर हमलावरों ने आईडी बिछा दिए हैं। हंटर टू कंट्रोल मेन रूट आईडी ब्लास्ट ओवर कंट्रोल ओके हंटर टू ब्रह्मास्त्र निकालो। मैदान के दाहिनी ओर से माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल ब्रह्मास्त्र में प्लान बी के तहत हंटर टू लगभग 14 किलो हाई एक्सप्लोजिव प्रहारों तथा स्मॉल आर्म्स हथियारों के आघातों को झेलने की क्षमता वाला ब्रह्मास्त्र इस पर इन धमाकों का कोई असर नहीं। धमाकों के बीच ब्रह्मास्त्र द्वारा कमांडोज को ड्रॉप किया जाता है। हर कर चरण विजित संगों का झंडा वही फहराते हैं अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। हंटर टू असॉल्ट K9 जगुआर के साथ स्टैक होकर कंट्रोल्ड वॉक में आगे बढ़ती है। निर्धारित एसओपी के अनुसार कमांडो द्वारा विंडो पर चार्ज लगाया जा रहा है। टूटता है दुश्मन पर कहर बनकर साहस भरी छलांग और इसके साथ ही जगुआर के धूप
हर जबड़ों से जबरदस्त फाइटिंग फोर्स के द्वारा दुश्मन की चीखें उठ जाती हैं। एनएमडीसी साइड से थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के साथ ही हंटर वन तथा हंटर टू सिचुएशन को होल्ड करते हैं। बंधकों को सुरक्षित बचाया जाता है, सभी को सेफ असेंबल पॉइंट पर लाया जाता है। इवैक्यूएशन के दौरान एक हमलावर हथियार फेंककर कर्मचारियों की भीड़ में छुप जाता है, लेकिन K9 ट्रैकर बोल्ट छोड़े गए सामान की गंध को जज्ब करता है और छुपे संबंधित हमलावर को ढूंढ निकालता है। काबिल, दिलेर और मानवता के रक्षक K9 सिपाहियों को हम सलाम करते हैं। साइट ऑफिस के नजदीक एरिया सर्चिंग के दौरान एहतियात के तौर पर कमांडो द्वारा डेड बॉडी को लाइन एंड हुक सेट की मदद से पलटा जाता है, क्योंकि यह एक ट्रैप भी हो सकता है। कमांडो द्वारा डेड बॉडी पर लाइन एंड हुक सेट लगाया जा रहा है। जोरदार धमाका, अंदेशा सही निकला, लेकिन सुरक्षित दूरी होने के कारण कमांडो को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसी बीच मैदान के मध्य में रेंडर से प्रोसीजर के लिए बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल दस्ता ऑपरेशन के दौरान ईयर मार्क किए गए आईडी को वाटर जेट डिसरप्टर की मदद से निष्क्रिय कर एनएमडीसी माइंस एरिया को दुश्मनों से मुक्त करता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी सतर्क और सावधान है, क्योंकि वे जानते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के साथ मल्टीपल अटैक की मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हैं। सरप्राइज एलिमेंट इनकी चाल है सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने की। मैदान के मध्य में एक्सप्लोजिव से भरी एक गाड़ी पहले बैरियर को तोड़ती है, लेकिन दूसरे बैरियर पर तैनात जाबाज कमांडो द्वारा जबरदस्त आघात विंड स्क्रीन को एक ही बार में टैक्टिकल मूड से चकनाचूर कर दुश्मन को मौत के घाट उतारा जाता है। भयानक विस्फोट से गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। हमलावरों की फोर्सफुल एंट्री, जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स से नाकाम होने के बाद फोर्स पर चारों तरफ से हमला किया जाता है। सब ड्रोन ऑपरेटर द्वारा उन पर ग्रेनेड गिराकर न्यूट्रलाइज किया जाता है। दुश्मन के हमले को नाकाम कर देने के बाद सभी टीम सेफली विड्रॉ करती हैं। फौलादी शरीर पर लगभग 25 किलोग्राम अतिरिक्त वजन के साथ क्विक रिफ्लेक्सेस तथा अचूक निशानेबाजी वाले इन दिलेर सपूतों के लिए मैं दोहराता हूं, विजयी भव, यशस्वी भव। गर्वानुभूत के साथ अवगत कराना चाहूंगा सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य पुलिस बलों द्वारा प्रतिवर्ष एनएसजी की अगुवाई में आयोजित अर्बन वॉरफेयर टैक्टिक्स आधारित नेशनल लेवल जॉइंट एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा वर्ष 2022 में इन्हीं कमांडोज के उत्कृष्ट और जीवंत प्रदर्शन का परिणाम था कि सीआईएसएफ ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया। सीआईएसएफ ऑफिसर्स तथा जवानों ने अपनी कर्तव्य परायणता और शहादत से सदैव बल्कि ध्येय वाक्य संरक्षण एवं सुरक्षा को यथार्थ रूप में धारित किया है। सीआईएसएफ ने 53 वर्षों की यात्रा में चुनौतियों के कठोर धरातल पर सफलतापूर्वक खुद को स्थापित कर वीर भारत की यथार्थ संकल्पना को स्वीकार किया है। नमो सीआईएसएफ की ध्वजा, नमो नमो। इस
जीवंत प्रदर्शन के बाद हमारी अगली व अंतिम प्रस्तुति है अग्निशमन प्रदर्शन। अग्निशमन दस्ता राष्ट्र का वृहद व्यावसायिक प्रशिक्षित एवं अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित दस्ता है जो 8760 अग्निशमन कर्मियों के साथ देश के 111 अति महत्वपूर्ण संस्थानों में तैनात है। विगत 5 वर्षों में CISF की अग्निशमन शाखा ने 16,074 विभिन्न अग्नि दुर्घटनाओं से निपटते हुए 232 लोगों के अमूल्य जीवन की रक्षा की तथा 1,342 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी बचाया है। CISF अग्निशमन शाखा विभिन्न उपक्रमों जैसे पावर, पेट्रोलियम, रासायनिक गैस, स्टील, कोयला, खनन एवं परमाणु ऊर्जा इत्यादि में मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित करती है। पिछले 5 वर्षों में 12,457 मॉक ड्रिल आयोजित किए गए। जनवरी 2001 में गुजरात भूकंप त्रासदी से सबक लेते हुए भारत सरकार ने शुरुआती तौर पर प्रोग्राम फॉर इन्हांसमेंट ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम के तहत सभी अर्धसैन्य बलों की बटालियंस को प्रशिक्षित एवं प्रतिभा संपन्न बनाने का उत्तरदायित्व CISF को सौंपा। इसी क्रम में FSTI हैदराबाद द्वारा 24,361 कर्मियों को फायर सर्विस मैनेजमेंट प्रशिक्षण तथा 14,888 कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें BSF, CRPF, SSB, NDRF, स्टेट पुलिस के साथ साथ मालदीव, नेपाल, भूटान तथा फिलीपींस की सुरक्षा संस्थाओं को भी प्रशिक्षित किया गया। आज के इस प्रदर्शन में क्लोरीन रिसाव थर्मल पावर स्टेशन में ट्रांसफार्मर की आग, LPG पाइपलाइन, बेंजीन रासायनिक टैंक, अमोनिया हॉट स्फीयर आदि की आग पर काबू पाने की तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों जैसे फायर फाइटिंग ड्रोन एवं रोबोटिक मॉनिटर को भी इस प्रदर्शन में समावेशित किया गया है। आपके समक्ष एक केमिकल इंडस्ट्री का दृश्य है जिसमें ब्लॉक ABC तथा D की परिकल्पना की गई है। मैं आपका ध्यान मैदान के मध्य में ले जाना चाहूंगा जहां संयंत्र कर्मचारी क्लोरीन टोनर के नजदीक काम कर रहे हैं कि तभी अचानक कर्मचारियों में भगदड़ मच जाती है। कर्मचारी असेंबली पॉइंट की तरफ भागते हैं। लगता क्लोरीन टोनर से भारी मात्रा में क्लोरीन का रिसाव हो रहा है। हवा के साथ क्लोरीन गैस प्रवाह से ब्लॉक के सामने रखे बेंजीन टैंक में काम कर रहा एक कर्मचारी बेसुध होकर नीचे गिरता है। दूसरा कर्मचारी भी सीढ़ियों से लटक जाता है। प्लांट कंट्रोल रूम टू CISFR कंट्रोल रूम, क्लोरीन लीकेज, रिपीट क्लोरीन लीकेज। विकराल स्थिति के मद्देनजर घटना की सूचना सभी संबंधित एजेंसियों NDRF, SDRF, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि को दी जाती है जो तेजी से घटनास्थल पर CISF को असिस्ट करने के लिए पहुंचते हैं। चारों तरफ सायरन की आवाज, भय का माहौल, अनिष्ट की आशंका के बीच संयंत्र इंजीनियर के मैसेज तथा ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम द्वारा अग्निशमन केंद्र पर सूचना प्राप्त होते ही दस्ता दमकल कर्मियों की चिरपरिचित आवाज के साथ फायर फाइटर्स घटनास्थल पर पहुंचते हैं। हवा की दिशा के विपरीत फायर कैनन तथा फायर टेंडर को पार किया जाता है। सभी फायर फाइटर जी जान से जुड़ जाते हैं मानवीय जीवन तथा राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए। सर्वप्रथम एरिया को कॉर्डन किया जाता है। जहरीले व दूषित वातावरण से बचने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तथा ब्रीथिंग अपरेटस का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहादुर अग्निशमन कर्मी तेजी से फायर टेंडर से होस पाइप बिछाते हैं और इसके साथ ही वाटर कर्टन भी तैयार किया जाता है। मैं प्लांट से सेफ्टी इंजीनियर बोल रहा हूँ। क्लोरीन गैस के रिसाव का रूप विकराल हो गया है। तुरंत अन्य एजेंसियों को सूचित करें। नोटेड सर। मैं फायर एंड इमरजेंसी कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। CISF रीइंफोर्समेंट को तुरंत प्लांट पे भेजें। मैं फायर एंड इमरजेंसी कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। तेलंगाना फायर सर्विस, SDRF, स्वास्थ्य विभाग को केमिकल प्लांट में भेजें। ऑफसाइड इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है, मूव फास्ट। हवा की दिशा के साथ क्लोरीन गैस प्रवाह से आसपास के इलाकों में लोकल पब्लिक के प्रभावित होने की प्रबल संभावना होती है। परिस्थिति की भयावहता के मद्देनजर ऑफ साइट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। सभी आपदा प्रबंधन स्टेक होल्डर्स को इसकी सूचना दी जाती है। घबराए हुए संयंत्र कर्मचारियों को ढांढस बंधाते हुए CISF अग्निशमन शाखा के कर्मचारी क्लोरीन गैस की चपेट में आए प्रभावित कर्मचारियों को डीकंटेमिनेट किया जाता है। क्लोरीन गैस रिसाव को रोकने की कार्रवाई की जाती है। क्लोरीन गैस की चपेट में आए बेहोश कर्मचारियों को बहादुर अग्निकर्मी इवैक्यूएट कर स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम द्वारा उन्हें उपचार दिया जा रहा है। प्लांट के दूसरी ओर हताहत हुए कर्मचारियों को फोर एंड आफ तथा टू हैंड सीट मेथड द्वारा इवैक्यूएट किया जा रहा है। ए ब्लॉक के सामने बेंजीन टैंक में रखे खून से शराब और प्लांट एम्प्लॉय को NDRF टीम द्वारा स्ट्रेचर पर फर्स्ट एड हेतु MFR स्टेशन पर लाया जाता है।
ऊपर गिरे एम्प्लॉय को एस मेथड से सुरक्षित इवैक्यूएट किया जाता है। इसी बीच बेंजीन टैंक से नीचे एक प्लांट कर कर्मचारी बुरी तरह से लहूलुहान स्थिति में है। स्थिति गंभीर है, जाना संभव ना हो पाने के कारण टो ड्रैग मेथड द्वारा उसे इवैक्यूएट कर एम्बुलेंस में फर्दर मेडिकल असिस्टेंस के लिए भेजा जाता है। इसी बीच मैदान के मध्य में प्लांट की पहली मंजिल पर बेसुध हो चुके कर्मचारी को पिक ए बैट मेथड द्वारा बहादुर अग्निशमन कर्मी इवैक्यूएट करने के क्रम में पीठ पर कैरी कर लैडर से नीचे उतारता है। इंसिडेंट कमांड सेंटर टू रेस्क्यूअर, वन कैजुअल्टी एट एफओपीएच। प्लांट असेंबली पॉइंट पर काउंटिंग में पता चलता है कर्मचारी लापता है जो फ्यूल ऑयल पंप हाउस ऑपरेटर है। इंसिडेंट कमांडर सेंटर द्वारा आपदा प्रबंधन टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए संदेश दिया जाता है। ए ब्लॉक के सामने रखे फ्यूल ऑयल पंप पर टीम पहुंचती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले टूल्स रोटरी रेस्क्यू सॉ, रेसिप्रोकेटिंग सॉ तथा रोटरी हैमर ड्रिल इत्यादि इक्विपमेंट्स के साथ अंदर से लॉक दरवाजे को ट्रायंगल मेथड में काटकर अंदर से एंटर किया जा रहा है। ट्रायंगल मेथड से काटने की कार्रवाई को आप समक्ष देख सकते हैं। इस समय और इसके साथ ही बेहोश पंप ऑपरेटर को स्ट्रेचर द्वारा इवैक्यूएट कर एमएफआर स्टेशन ले जाया जा रहा है। मानव जीवन तथा राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने की यह जद्दोजहद कठिन प्रशिक्षण तथा नियमित अभ्यास का ही नतीजा है। इसी बीच एसिटिलीन सिलेंडर फटने से ब्लॉक के सामने रखे ट्रांसफार्मर में भीषण आग की लपटों का दृश्य। जानकारी होने के कारण संयंत्र कर्मी जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाते हैं, शरीर की आग को बुझाते हैं। इसी बीच प्लांट वर्कर द्वारा ब्लैंकेट डालकर आग को बुझाकर मानवीय जीवन की रक्षा की जाती है। अग्निशमन नियंत्रण कक्ष में लगे ऑटोमेटिक फायर अलार्म द्वारा सूचना प्राप्त होती। दो मोटरसाइकिल पर अफेक्टेड साइट पर दमकल कर्मी सुरक्षित दूरी पर पहुंचते हैं। जान की परवाह न करते हुए शुरुआती दौर में आग की लपटों के बेहद नजदीक पहुंचकर वाटर मिस्ट बैकपैक सिस्टम से आग को नियंत्रित करते हैं। कर्तव्य परायणता, शौर्य और कौशल हमने रक्त में पाया है, बचा अमूल्य मानव जीवन, राष्ट्र का मान बढ़ाया है। कंप्रेस्ड एयर फोम कम वाटर मिस्ट बैकपैक सिस्टम एक आधुनिक और प्रभावी प्रणाली है जिसके विशेष रूप से डिजाइन किए गए नोजल पानी को सैकड़ों सूक्ष्म कणों में तोड़कर स्प्रे करते हैं ताकि तापमान को कम कर आग को नियंत्रित किया जा सके। सीआईएसएफ फायर अटेंडेंट क्रू आग बुझाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ लगा स्प्रे इमल्सी फायर सिस्टम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर जलने वाले तेल की वेपराइजेशन दर को कम कर देता है। दूसरी ओर फोम मॉनिटर द्वारा बनाया जा रहा फोम ब्लैंकेटिंग एवं कूलिंग सिद्धांत पर आग को बुझाता है। रीइग्निशन से भी बचाव होता है। अग्नि दस्ते द्वारा ट्रांसफार्मर के ऊपर इमल्सी फायर सिस्टम तथा फोम मॉनिटर सिस्टम द्वारा आग पर प्रभावी नियंत्रण। और इसी बीच ब्लॉक ए के सामने रखे बेंजीन टैंक में जबरदस्त धमाके के साथ भयंकर आग लग गई है। कुछ त्रुटि होने के कारण पाइपलाइन में फ्लेंज में आग लगी है। फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहने एक अग्निकर्मी वॉल्व को बंद कर आग बुझाने का सफलतम प्रयास कर रहा है। फायर फाइटर्स लगातार इन विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों को अंजाम देते हैं। आप देख रहे हैं फायर फाइटर्स अपने प्राणों की बाजी लगाकर आग के नजदीक पहुंचकर आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होने के साथ ही फ्लेंज में लगी हुई आग पर नियंत्रण पाया गया। इसी बीच ब्लॉक ए के सामने रखे हुए बेंजीन टैंक में भयानक धमाका होता है और इस भयानक धमाके के साथ ही आग लग गई है। राष्ट्रीय संपत्ति पर आई विपत्ति से जूझते हुए कर्मठ सीआईएसएफ फायर फाइटर्स लगातार आग पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अग्निशमन नियंत्रण द्वारा ऑटोमेटिक फायर अलार्म द्वारा इसकी सूचना दी और फायर फाइटिंग ड्रोन आसमानी मदद से वहां पर पहुंचता है।
अत्याधुनिक तकनीक फायर फाइटर ड्रोन CISF अग्निशमन शाखा इस अत्याधुनिक तकनीक को विकसित रूप में लागू करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है, जहां अनार्म्ड एरियल व्हीकल फायर फाइटर ड्रोन बिना मानवीय जीवन को जोखिम में डाले हुए फायर फाइटिंग को अंजाम देता है। बरसे आग जलत जल जाएं, भूस्मात भूधर हो जाएं, पाप पुण्य सद्भाव भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं। अग्निशमन दस्ता फायर टेंडर से बेंजीन में लगी हुई आग को बुझाता है, फोम पोरर का इस्तेमाल करता है, साथ ही टैंक के तापमान को न बढ़ने देने के लिए वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से विस्फोट होने से बचाने के लिए इसे ठंडा भी किया जाता है। दक्ष तथा विशेषतया प्रशिक्षित अग्निशमन शाखा से सुसज्जित एकमात्र बल CISF। और इसी बीच ट्रांसफार्मर के रेडिएशन हीट की वजह से अचानक ब्लॉक सी में रखे LPG बुलेट में धमाका हुआ। आग भयावह रूप से जलती है, लपटें आसमान को छू रही हैं, आग हवा के कारण और अधिक फैल रही है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, LPG गैस में लगी आग को कभी भी सीधे नहीं बुझाना चाहिए। बुझाने की कोशिश में गैस का रिसाव लगातार होता है, इससे उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्लाउड बन जाता है, जिसमें कहीं से स्पार्क होने से एक्सप्लोजन से भयंकर धमाका होता है। और इसी बीच तेलंगाना फायर सर्विस डिपार्टमेंट तथा CISF री इन्फोर्समेंट टीम भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। और अब मैं आपका ध्यान मैदान के दाहिनी ओर ले जाना चाहूंगा, जहां से रोबोटिक मॉनिटर, जी हां रोबोटिक मॉनिटर अग्निशमन के लिए घटना स्थल पर पहुंच रहा है। ड्रोन तथा रोबोटिक मॉनिटर टेक्नोलॉजी का उपयोग अग्निशमन, बचाव एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में करते हुए अग्निशमन कर्मी स्वयं तथा दूसरों की जान को सुरक्षित रखते हुए ऑपरेशनल दक्षता को बढ़ाते हैं। LPG में लगी हुई आग के लिए एक अग्निकर्मी प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर LPG सप्लाई को वॉल्व को बंद कर आग बुझाने का सफल प्रयास करता है। LPG बुलेट को स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से लगातार ठंडा भी किया जा रहा है। मेन वॉल्व बंद होने के कारण देखते ही कुछ समय में आग पर नियंत्रण। और इसी बीच ब्लॉक डी की तरफ रख के हॉटन स्फीयर में रेडिएशन हीट की वजह से भीषण आग लग गई है। हॉटन स्फीयर एक गोलाकार दबाव पोत है, जिसका उपयोग संपीड़ित गैस एनहाइड्रस अमोनिया के भंडारण के लिए किया जाता है। और इस तरह की आग को काबू करने के लिए रोबोटिक मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। हॉटन स्फीयर की सतह को ठंडा रखने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। फोम मॉनिटर पानी की बौछार कर रहा, और इस समय आप देख सकते हैं रोबोटिक मॉनिटर के इस्तेमाल से आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता हुआ। रोबोटिक मॉनिटर फायर फाइटिंग के क्रम में मॉनिटर से हॉटन स्फीयर पर पानी का प्रवाह कर रहा है। आज इन अग्निशमन कर्मियों के लिए कहना उचित होगा, कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरियां आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। यहां यह आज उल्लेख करना प्रासंगिक है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अग्निशमन शाखा के बहादुर जवानों तथा अधिकारियों को उनकी कर्तव्य परायणता, शौर्य तथा उत्कृष्ट कौशलपूर्ण प्रदर्शन के लिए 521 बार विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रदर्शन के अंतिम चरण में अब आपके समक्ष प्रस्तुत है मल्टी कलर डेमोंस्ट्रेशन, हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर तथा वाटर कर्टन के माध्यम से विभिन्न रंगों का प्रदर्शन आपके सम्मुख किया जाएगा, जिसमें मल्टी कलर बेड के साथ देश की आन बान शान तिरंगे को निरूपित करता हुआ ट्राई कलर का प्रदर्शन होगा। पावन राष्ट्र ध्वज तिरंगे के नीचे शीश नवाकर हमारे जांबाज अपरिमित ऊर्जा प्राप्त करते हैं और यह संकल्प लेते हैं मानव सेवा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने में हम इंच भर भी नहीं हिचकेंगे। इसी पावन ध्वज को कृतज्ञ तिरंगे तीनों रंग जीवन के उद्देश्य को अपने में समेटकर आसमां में बिखर